राजस्थान के पहाड़ अरावली हिल्स। बहुत बेहतरीन लगा, आज मैं इधर पहली बार आया हूँ और मुझे जान के हैरानी हुई, इतने पास है और इधर तो काफ़ी बार आया जा सकता है। बढ़िया तो मतलब लग नहीं रहा कि हम राजस्थान में हैं अभी। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है मैं किसी हिल स्टेशन पे आया हूँ। हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। बाय। तो गाइस टाइम हो गया 6:24 और थोड़ा सा लेट हूँ मैं अपने शेड्यूल से। एक्चुअली आज मेरा अलार्म नहीं बजा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो थोड़ा क्या काफ़ी लेट हूँ। प्लान था 4 बजे का, मेरा फ्रेंड आधे घंटे से वेट कर रहा है मेरा, वो मिलेगा राजीव चौक गुड़गांव पे। ठंडी ठंडी चल रही हवा और दिन में पता नहीं कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि राइडिंग जैकेट में काफ़ी हालत ख़राब होने वाली है। वैसे मैंने सारी इसकी लाइनर्स तो निकाल दिए हैं, ओनली रेन लाइनर मैं कैरी कर रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं गाइस अलवर। अलवर के पास एक बड़ी सुंदर प्यारी सी लेक है, सिलिसेट लेक, वहीं का ही प्लान है। और आगे का अभी तक तो वहीं का ही प्लान है, आगे का अपडेट आपको दे देंगे। आगे का हमें भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। वेदर भी मैंने आज चेक नहीं किया, बीच में कहीं रुकेंगे तो चेक करेंगे कि कैसा वेदर होने वाला है, क्योंकि जब धूप होती है तो थोड़ा सा राइड करना मुश्किल होता है, और वो भी खासकर राजस्थान में। भगवान ऐसा ही वेदर रहे, क्लाउडी, बस बारिश ना आए। बारिश आ जाएगी तो हो जाएगी हमारी हालत ख़राब। पर अभी तक तो बिल्कुल खाली रोड है और आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। आई होप कि आज संडे है। हैं? हाँ भागती है, 100 से 100 तक चली जाती है। ट्रक ड्राइवर भाई साहब पूछ रहे थे अपनी एंटॉर्क के बारे में। तो भाई ये है मेरी एंटॉर्क BS6 मॉडल, और ये मैंने अभी खरीदा था मई में, 2020 का मॉडल है ये, न्यू वाला टॉप मॉडल। आज इसकी टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी, लॉन्ग राइड पे कैसा परफॉर्म करती है, लेकिन इसी में से मुझे काफ़ी मज़ा आता है इसे चलाने में। यहाँ से गाइस शुरू हो जाता है NH8, और जो कि जाता है सीधा बॉम्बे तक, और उससे भी आगे तक जाता है। और काफ़ी सारे राइडर्स गाइस आज संडे है तो आपको दिल्ली में ये हर जगह देखने को मिलेगा। और भाई साहब क्या बाइक थी, हार्ले। लेट हो गया थोड़ा क्या, ज़्यादा ही हो गया। क्या जी? ज़्यादा ही हो गया लेट। हाँ यार, एक घंटा तो आपने यही वेट करा दिया मेरे को। तो गाइस रितेश से आपको मिलाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, और काफ़ी लेट हो रहे थे हम, ज़्यादा मैं रुका नहीं। पेट्रोल क्वान्टिटी शो कर रहा है, अब जैसे ही कोई पेट्रोल पम्प मिलता है तो मैं उसमें रिफ्यूल करवाऊँगा। इस जर्नी का पहला टोल, अभी हम पहुंच चुके हैं मानेसर टोल के पास,
भाई साहब। और गाय सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है टोल पे? टू व्हीलर का टोल नहीं लगता। तो हमें देखने को मिल रहे हैं काफी सारे राइडर। कहाँ पे? अंदर अंदर चले ना। फुल कर दो भैया। क्या रेट है यहाँ पे? सुबह का मौसम और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है गाइस, क्योंकि 4-5 महीने से कहीं नहीं जा पा रहे थे। ये जो आते हैं ना बीच में, इनके पास कोई ब्लिंकर कुछ नहीं होता, और नाइट में अगर ये दिख जाए भाई साहब एक्सीडेंट ही करवा दें। तो जा रहा है जूस। कैसी चल रही है राइड हितेश? सही चल रही है, अभी स्लो मोशन है ना, धीरे धीरे चल रहे हैं, और आगे ऐसा लग रहा है कि बारिश आ रही है शायद ना। होनी चाहिए बारिश, पिछली बार आए थे थोड़े दिनों पहले बेहतरीन बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हुई थी, मजे आए थे, बारिश में चलाई थी बाइक मैंने। हाँ नॉन स्टॉप बाइक बारिश में चलाई मैंने। और ये हितेश की जावा, जावा 42 है 52? ये जावा ट्रैफिक 300। Thank you.
स्टेट पूजा और रुके हुए यहाँ पे बालाजी राव ढाबा पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। रितेश चला गया अंदर, काफ़ी भूख लग रही थी, 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया। और पहले रुक रहे थे गाइस बारिश के चक्कर में, और अब रुके अपने लिए, काफ़ी ब्रेक ले लिए छोटी सी राइड पे। चलते अंदर। बूंदाबांदी टाइप की आ रही है, ज़्यादा तेज तो अभी तक आई नहीं है, बट मेरे पास वाटर प्रूफिंग है, बट बैग में है GoPro की, वो उसको लगाना पड़ेगा बाहर निकाल के, और उसमें फिर माइक अटैच नहीं हो सकता। इसी प्रॉब्लम्स में बार बार इसको निकाल रहा हूँ, बट क्या करे, व्यूज़ कुछ ऐसे अच्छे अच्छे आ जाते हैं तो फिर बार बार लगाना पड़ता है GoPro। बादल देखो गाइस, आगे शायद बारिश नहीं है, और इधर पहाड़ देखो, ये इतना ज़बरदस्त लग रहा है। टाइम हो गया अभी 10:46, अगर बीच बीच में बारिश नहीं आती तो हम पहुंच जाते अभी तक, बट हमें कोई जल्दी नहीं है पहुंचने की। हम रास्ते को एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, और एक एवरेज स्पीड मेंटेन रखी हुई है, ना ज़्यादा है ना कम है। घमासान बारिश के बाद नज़ारे देखो सिरिस्का के। तो गाइस अभी पहुंच गए, बस सिरिसर लेक है यहाँ से 8-9 किलोमीटर के आसपास, और आज पूरा दिन ही बारिश आ जा रही है। अभी फिर से स्टार्ट हो गई है, अभी मैंने GoPro माउंट किया, और जैसे ही माउंट किया वैसे ही बारिश हो गई स्टार्ट। सामने का व्यू देखो गाइस, कैसे पहाड़ क्लाउड से ढके हुए हैं, मतलब अरावली हिल्स भी ढक गए हैं क्लाउड से। ये सुन देख के बहुत ही गजब की फीलिंग आ रही है। राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था फर्स्ट टाइम का, बट बारिश ने थोड़ा कर दिया काम ख़राब। भैया सिलीसेड लेक के लिए, सिलीसेड इधर, यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा था ना। सिली सेड यही है, मैप मैंने लगाया नहीं था क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे पता था यहाँ तक का रास्ता, बट ये नहीं पता था कि यहाँ से कट राइट जाएगा। राइट तो जाएगा ये देखा था, बट यहाँ पे कोई बोर्ड मुझे दिखा नहीं ठीक से। So, ये है गाइस सिलीसेड लेक। एक चीज दिखाऊं देख, अभी तो तक
मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है और मेरे पीछे है ये लेक रेस्टोरेंट। 100 रुपीज़ की यहाँ पे एंट्री फीस है पर पर्सन और उसमें कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक इंक्लूड है, तो आप आ सकते हैं। नियरेस्ट काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है अलवर के पास। और रितेश भाई आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन लगा, आज मैं इधर पहली बार आया हूँ और मुझे जान के हैरानी हुई, इतने पास है और इधर तो काफ़ी बार आया जा सकता है। बढ़िया ब्यूटीफुल, मतलब लग नहीं रहा कि हम राजस्थान में हैं अभी। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है मैं किसी हिल स्टेशन पे आया हूँ। काफ़ी नैनीताल वगैरह चले गए ना। काफ़ी अच्छे इधर बादल हो रखे हैं, सुबह से ही बारिश हो रही है लगातार। लेक में भी काफ़ी अच्छा पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। यहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हैं, उसका चार्ज हमने पता नहीं किया क्योंकि बोटिंग के लिए नीचे जाना पड़ेगा और हमें अभी करनी नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। हम बेसिकली राइड पे आए थे, मॉर्निंग में निकले थे गुड़गांव से। तो बादल देखो यार कितना, मतलब जबरदस्त नज़ारा हो रखा है यहाँ पर। सो गाइस हम एक एक कॉफ़ी पीते हैं जब तक आप बेहतरीन जो मैंने टाइम लैप्स बनाए हैं सिलिसेड लेक के वो इंजॉय कीजिए। मिलते हैं कुछ देर बाद। A few moments later. तो अभी जा रहे हैं गाइस हम घर और रुके हुए हैं यहाँ पे। अंधेरा हो गया है इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा और बीच बीच में बारिश भी आ रही है, तो बार बार गोप्रो निकालना पड़ रहा है क्योंकि मैं वाटरप्रूफिंग के कैरी नहीं कर रहा और ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, बस जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। 100 किलोमीटर के आसपास बचा है और टाइम हो गया है अभी 7:30। तो गाइस इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर फॉलो करना, अच्छे अच्छे पिक्स मैं जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ। नीचे हैंडल आ रहा होगा मेरा टीवीएस इंटॉर की और काफ़ी रोड ट्रिप्स की जितनी भी फुटेजेस होती है मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ और आपको पता चलता रहता है कि अभी लेटेस्ट मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ, क्योंकि ब्लॉग एडिट करने में टाइम लगता है। इंस्टाग्राम से मैं स्टोरी में अपडेट करता रहता हूँ कि अभी मैं कौन सी जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके ओके, कैसी रही जर्नी बारिश में? बढ़िया रही, आज तो ऊपर वाला ज़्यादा ही मेहरबान था, बारिश के फुल मज़े लिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अभी भी आ रही है बारिश है ना, लगता है भी और होएगी तेज बारिश। चल भाई चलते हैं, ठीक है जी, गुड नाइट। ओके गुड नाइट, मैसेज छोड़ दियो जाके पहुंच के, मैं भी छोड़ दूंगा। हाँ ओके। तो हितेश चला गया गाइस अपने घर गुड़गांव और मैं चलता हूँ अपने घर की ओर। वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन बिना दबाए मत जाना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। गुड बाय, गुड नाइट।